नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल डिजिटैग इन्फो में। दोस्तों आज हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सीखेंगे और जिसमें हम दो स्विच और दो सॉकेट लगाएंगे। हमारे पास दो स्विच, दो सॉकेट और दो स्विच हैं और एक हमारे पास में ये बक्सा है जिसके अंदर हम इनको फिट करेंगे और कनेक्शन करना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर पर ही अच्छे से आप ये बोर्ड के कनेक्शन सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें जो है यहाँ पर स्विच लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये खांचा कटा रहता है, इसको काट देते हैं। इसको काटने के बाद यहाँ पर हम सॉकेट को फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पर स्विच हमको लगाना है। दूसरा स्विच भी लगा लेते हैं। स्विच लगाने के बाद फिर हम सॉकेट लगाएंगे। देखिए दोस्तों हमने स्विच लगा लिया है। ये बोर्ड का जो बक्सा है ये बाज़ार से आपको रेडीमेड तैयार मिल जाता है और इसमें इस तरह से स्विच लगा लेने हैं और इनको हम टाइट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सॉकेट लगाना है। सॉकेट लगाने के लिए हमें ये खांचा काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। दोस्तों ये 6 एम्पियर का जो है बोर्ड बनेगा। ये दोनों हम काट लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सॉकेट फिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सॉकेट, जैसे हमने स्विच लगाए हैं तो सॉकेट कहीं उल्टा फिट ना आ जाए, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। कभी आप स्विच जो है ये सॉकेट उल्टा लगा दोगे तो फिर जो है ऑफ करोगे तो वो ऑन होगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा स्विच और सॉकेट इसमें लग चुके हैं। इसके बाद हम इसके कनेक्शन समझेंगे और हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमें एक वायर की आवश्यकता होगी, तो मिनिमम 1.5 या 1 mm का तार तो हमें लगाना ही चाहिए कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये और ये स्विच दोनों पर एक सप्लाई देनी है, यहाँ पर एक वायर से जोड़ना है। उसके बाद ये हमारा जो स्विच है इसको यहाँ पर एक तार लगाने के बाद इसको हम जोड़ेंगे सॉकेट के राइट साइड पर, यहाँ पर यानी कि इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहता है L और N। N का मतलब न्यूट्रल और L का मतलब है लेन, मतलब जो है फेस हमारा यहाँ पर जुड़ता है। दोस्तों उड़ के दिखाते हैं किस तरह से जोड़ना है। तो मेरे पास ये वायर है दोस्तों, अब इसको यहाँ इतना मैं छील लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे और आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप घर पर ही अपने बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप खुद से भी बोर्ड ले आए हैं बाज़ार से ख़रीद के तो आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं। सारे जो स्विच बोर्ड कनेक्शन हैं इसी तरह से होते हैं। आपके घर में कोई बोर्ड ख़राब है, स्विच चेंज करना, वो भी इसी तरह से चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टुकड़ा ले लिया है, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से खोल लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से डालेंगे, इस तरह से यहाँ पर डालना है। अगर यहाँ पर 3 स्विच भी होते या 4 भी, कितने भी स्विच होते तो सबको हम यहाँ से एक सर्किट में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको टाइट कर देना है। बहुत ही आसान कनेक्शन है दोस्तों। और इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमने ये तार यहाँ पर जोड़ दिए। उसके बाद हम यहाँ से स्विच से जो सप्लाई है यहाँ पर फेस जाएगा, यहाँ से हमें सप्लाई लेनी है और वो जाएगी हमारी सॉकेट पर। तो यहाँ पर एक टुकड़ा हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक तार लगाया और हमें जोड़ना है जहाँ पर L लिखा है, ठीक है। यहाँ राइट साइड में हमेशा फेस होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं और ये जोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप बड़ी आसान तरीके से, अगर एक बार आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लोगे तो आप कभी ये कनेक्शन नहीं भूलोगे। आप खुद से अपने आप भी स्विच चेंज कर सकते हो, सॉकेट चेंज कर सकते हो घर पर ही। तो यहाँ से अब देखिए ये वाला स्विच है, हमें यहाँ पर देना है राइट पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर L लिखा है तो हम इसको इतना काट देते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी।
कई बार बहुत से जो लोग होते हैं जिनको जानकारी इसके बारे में नहीं होती है, वो खुद से चेंज करना चाहते हैं और भूल जाते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है उनको। तो इसलिए आप ये वीडियो देख लो तो आप अच्छी तरह से स्विच और सॉकेट चेंज कर सकते हो और कनेक्शन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने सप्लाई यहाँ पर फेस आया और यहाँ से सप्लाई ली सॉकेट पे, और इधर वाली सप्लाई अभी सॉकेट पे। अब हमारा यहाँ पर ये हमने फेस दे दिया दोस्तों दोनों जो है ब्लैक कलर का ही तार मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा फेस का वायर है, ठीक है। इसके बाद हम न्यूट्रल देंगे, तो न्यूट्रल कैसे देना है दोस्तों, तो न्यूट्रल देने के लिए हमें एक जो सॉकेट का जो एक पॉइंट ये बचा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला और ये दोनों पॉइंट जोड़ने हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन है दोस्तों, आप एक बार देख लोगे तो आपको परेशानी कभी नहीं होगी। अब यहाँ पर हमको जोड़ देना है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह से कनेक्शन करने हैं। देखिए यहाँ पर फेस जाएगा हमारा, यहाँ से फेस वापस सॉकेट पे जाएगा और यहाँ से फेस इस वाले सॉकेट पे जाएगा, और ये हमारा न्यूट्रल का तार। अब आप सोचोगे यहाँ पर हमें अब बिजली की सप्लाई कहाँ देनी है, ठीक है। तो बिजली की सप्लाई दोस्तों कहाँ पर देनी है, एक ये फेस यहाँ पर देना है, एक न्यूट्रल यहाँ देना है। या तो यहाँ लगा दो न्यूट्रल या यहाँ लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा एक ही सर्किट है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर में बिजली के बोर्ड कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं और इसमें कनेक्शन लगा के दिखाते हैं आपको। तो एक वायर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसको टाइट कर देना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम इसको इतना काट लेते हैं। दूसरा सिरा हमें कहाँ लगाना है, दूसरा हमें देना है इसको न्यूट्रल। न्यूट्रल मैंने आपको कहाँ बताया है, अभी यहाँ पर बताया है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल देना है। दोस्तों इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल और डिश से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब मैं इसको काट लेता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। ये हमारा बोर्ड देखिए तैयार हो गया दोस्तों, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये बोर्ड हो गया हमारा कंप्लीट, इसे कनेक्शन निकल चुके हैं, ये इसके कनेक्शन। अब इसको हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए मैं इसमें सप्लाई दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास सप्लाई है, अभी मैंने इसमें बिजली की सप्लाई नहीं दी है, तो मैं स्विच ऑन करूँगा तार लगाने के बाद। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें सप्लाई आ चुकी है, अब इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों लाइट कम से जल रही, क्योंकि मैंने इसमें सीरीज में सप्लाई दी है। तो इस तरह से ये हमारा बोर्ड काम कर रहा है। दूसरे वाला हम देखते हैं, देखिए। तो इस तरह से आप ये इलेक्ट्रिक बोर्ड अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।